छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की 13 दिसंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है। एक साल पूरे होने पर बीजेपी इसे विजय पर्व के रूप में मनाएगी। इस दौरान लोगों के बीच साय सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी, लेकिन विपक्ष सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा खामियां गिना रहा है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। साय सरकार के एक साल पूरे होने पर 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रदेश में विजय पर्व मनाया जाएगा। बीजेपी जनता के बीच साय सरकार की कार्यों और उपलब्धियों को लेकर जाएगी। सरकार में बैठे मंत्रियों का दावा है कि एक साल में विष्णुदेव के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। कार्यकाल ये बताता है कि एक साल उपलब्धियों से भरा रहा है। असंभव से लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से पूरे हुए हैं। चाहे 70 लाख माता और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देना हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देना हो, एक मुस्त अंतर की राशि, पैसे घोटाले की सीबीआई जांच, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला समेत सारे बड़े वादे एक साल में पूरे करने का दावा किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गांव और शहरों के रुके विकास को फिर गति दी गई है। हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वो बताता है कि एक साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन एक सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। लेकिन साय सरकार का एक साल का कार्यकाल कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि विष्णुदेव सरकार में व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है। आयुष्मान कार्ड से एक भी मरीज को लाभ नहीं मिल रहा। सरकार ने एक साल से कोई भुगतान नहीं किया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए कोई बजट नहीं है। चाक और डस्टर खरीदने के पैसे नहीं है। जिन्होंने बच्चों को निजी स्कूलों से ट्रांसफर कराकर वहां भर्ती किया था वापस निजी स्कूल में ले गए। धान खरीदी केंद्रों का देख लीजिए, आज स्थिति ये है कि किसान टोकन लेकर भी धान नहीं बेच पाएंगे क्योंकि सरकार ने राइस मिलर को एक साल से भुगतान नहीं किया। जो आक्रोश जो पनप रहा है अभी किसानों में देख लीजिए, किसी सोसाइटी में चल दीजिए, किसानों में भारी आक्रोश है। मजदूरों के पास चल दीजिए, उनको जो सुविधाएं मिली थी बंद हो गया है। अब जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है उसके पालकों से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पालकों से थोड़ा इंटरव्यू कर लीजिए। बहरहाल आगामी 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस दौरान मोदी की लगभग सभी गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। साय सरकार की उपलब्धियों को लेकर विजय पर्व के रूप में जनता के बीच जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं विपक्ष सरकार की कमियां गिना रही है। अब देखना होगा जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।